हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिफ्यूजर में इंटरनल पाइपिंग कैसे करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। अब देख सकते हैं इसके जो डिफ्रीजर है इसमें इंटरनल लीक हो चुका है। आज हम लोग इसमें इंटरनल पाइपिंग करेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये एक वोल्टास का 320 लीटर का डिफ्रीजर है, इसमें R134 गैस यूज़ होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पाइपिंग करेंगे, और जो पाइप यूज़ करेंगे वो 1/4 का पाइप रहेगा। उसको सैडल की मदद से आप लगा सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं हम लोगों ने लगाया है। कॉर्नर पे बाइंड करने के लिए या तो आप पाइप बाइंडर का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप खाली केन लेकर इसको हैमर की मदद से मारेंगे तो भी बैंड हो जाएगा आसानी से। आप देख सकते हैं जैसे कि इस वीडियो में मैंने पाइप बैंड किया है, और इसमें जो हम लोग का टोटल पाइपिंग लगा 45 फीट पाइप हम लोग इसमें यूज़ किए हैं। 4 लेयर आया है, कस्टमर का बजट कम था इसके वजह से 4 लेयर, वरना आप इसमें जब भी पाइपिंग करें तो कम से कम 5 से 6 लेयर जरूर दें, उससे कूलिंग परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाती है। हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, अभी इस पे हम लोग सिल्वर टेप चिपकाएंगे ताकि हम लोगों का जो कॉपर पाइप है वो चिप जाए और देखने में भी खूबसूरत लगता है। तो फटाफट से हम लोग टेप चिपका लेते हैं, उसके बाद इसमें गैस चार्जिंग का प्रोसेस करेंगे। लगभग हम लोग पाइपिंग कर चुके हैं, दो तरफ कंप्लीट हो चुका है। ये वाला टेप हम लोग सिल्वर वाला लगाएंगे पूरा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। ड्रायर से होते हुए जो हम लोगों का कैपिलरी ट्यूब है वो इस वाले पाइप पे आएगा ताकि कूलिंग जो है ऊपर से स्टार्ट हो, और जो पाइप नीचे से जो पाइप आ रहा है उस पाइप को हम लोग सक्शन पाइप बना देंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्चार्ज पाइप को ब्रिजिंग कर लेते हैं, और जो कंडेंसर जाली है इसमें उसको पहले फ्लश करेंगे, क्योंकि बहुत देर पाइप खुला रह जाने से इसमें एयर चला जाता है। तो पहले इसको ब्रिजिंग करके हम लोग फ्लश करते हैं, उसके बाद ड्रायर लगाएंगे। कंडेंसर जाली को हम लोग फ्लश कर चुके हैं, अभी हम लोग ड्रायर लगाएंगे। जब भी आप गैस चार्जिंग करते हैं तो ड्रायर अच्छी क्वालिटी का लगाएं। आप देख सकते हैं हम लोग ड्रायर जो है सिल्का जेली वाला लगा रहे हैं, इससे चॉकिंग का प्रॉब्लम बहुत ही कम होता है। तो जब भी आप यूज़ करते हैं तो सिल्का जेली वाला ही ड्रायर यूज़ करें। ड्रायर लगाने के बाद हम लोग कैपिलरी ट्यूब को जॉइंट करेंगे। ड्रायर लगाने के बाद कैपिलरी ट्यूब लगाएंगे हम लोग। कैपिलरी इसमें जो यूज़ करना है 0.36 का यूज़ करेंगे, 9 से 10 फीट आप इसमें कैपिलरी लगा सकते हैं। लास्ट
बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। काटने के बाद पिंच करके कैपिलरी ट्यूब लगाने के बाद मशीन को ऑन करेंगे और पूरे सिस्टम को एक बार फिर से फ्लश कर लेंगे। सारा जॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अभी सिस्टम को आधे घंटे के लिए हम लोग वैक्यूम में लगाएंगे। वैक्यूम करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप वैक्यूम करते हैं कूलिंग परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहता है, तो वैक्यूम आप ज़रूर करें। अब देख सकते हैं इसमें R134 गैस यूज़ होगा, 320 ग्राम है। इसमें हम लोग 120 ग्राम गैस डालेंगे। जब भी आप गैस चार्जिंग करते हैं तो गैस को वेट करके ज़रूर डालें। ज़्यादातर लोग बैक प्रेशर देखकर गैस डालते हैं, जिसकी वजह से कई बार गैस या तो ज़्यादा डाल देते हैं या तो गैस कम डालते हैं। तो आप बैक प्रेशर देखकर गैस ना डालें, आप गैस को वेट करके डालें। कूलिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहेगा।
थोड़ी देर मशीन चलने के बाद जो बैक प्रेशर है इसका 7 से 9 फीट के आसपास आ गया था। आप देख सकते हैं इसका ड्रायर भी बिल्कुल हीट हो चुका है। आधे घंटे मशीन चलने के बाद आप देख सकते हैं -4.4 डिग्री अचीव कर लिया है। आपको मैं खोल के दिखाता हूँ, देख सकते हैं इसके पूरे पाइप पे पूरा आइस आ चुका है और इसके अंदर जो मैंने पानी रखा था उस पर भी आइस आना स्टार्ट हो गया है। अभी इसको 2-3 घंटा चलाने के बाद आपको रिजल्ट दिखाते हैं कि कूलिंग इसमें कैसा आता है। दो घंटा चलने के बाद -11.2 डिग्री हमारा डिफ्रीजर अचीव कर लिया था। आपको अभी मैं खोल के दिखाता हूँ कि कूलिंग परफॉर्मेंस इसका कैसा है। आप देख सकते हैं कि डोर खोलते ही जो भाप आता है वो आप देख सकते हैं, अंदर पूरे वॉल पे आइस आ चुका है और जो भी मैंने पानी रखा था वो पूरा आइस हो गया है। और एक मैंने बोतल भी रख दिया था इसमें, आप देख सकते हैं बोतल भी बीच में थोड़ा सा पानी है, बाकी पूरा बोतल आइस हो गया है। हम लोगों का कूलिंग इसका बहुत अच्छा है। काम कंप्लीट होने के बाद इसका जो सक्शन पाइप है उस पर इंसुलेटर लगा देंगे और जो कैपिलरी है उस पर टाई लगा के सेपरेट कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।